एंड सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग गाइस ये पार्ट गाइस कवर करने वाले हैं टाइगर का। ये बेसिकली पार्ट टू है। पार्ट वन में गाइस मैंने ऊपर का पार्ट गाइस मैंने कवर किया था। एंड गाइस पार्ट वन से पहले गाइस मैंने आउटलाइन के ऊपर में गाइस मेरे ट्यूटोरियल वीडियो डाल दिया था, तो आप लोग गाइस देखना है तो जाकर गाइस देख लेना। सो गाइस, आज के इस वीडियो में टाइगर का नोज का पार्ट गाइस हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। एंड गाइस इस टाइप का टाइगर का फर गाइस रियलिस्टिक वे में गाइस आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो गाइस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ इससे पहले गाइस मैं मटेरियल गाइस में कौन सा यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले गाइस मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। एंड गाइस ब्लेंडिंग के लिए गाइस मैं एक सॉफ्ट वाला मेकअप ब्रश यूज़ करने वाला हूँ। एंड गाइस मैं इंडेंटिंग टेक्निक भी यूज़ करूँगा, तो उसके लिए गाइस मैंने खाली पेन ले लिया है नॉर्मल सा। एंड गाइस मैं हाईलाइट्स के लिए गाइस मैंने अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर लिया है, काफ़ी ज़्यादा चीप इरेजर है। बस गाइस मैं इन्हीं मटेरियल से टाइगर का रियलिस्टिक सा ड्राइंग करने वाला हूँ। सो गाइस आप लोग इस वीडियो गाइस पूरा एंड तक देखना। तो चलो गाइस बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं नीडेबल इरेजर से गाइस मैं आउटलाइन को इरेज कर लेता हूँ सबसे पहले। एंड गाइस टाइगर का रेफरेंस फोटो में जहाँ पर भी गाइस व्हाइट एरिया से वहीं पर गाइस मैं इंडेंटिंग टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली गाइस हेयर के डायरेक्शन में बस गाइस स्ट्रोक का अप्लाई करो। सो गाइस इंडेंटिंग टेक्निक यूज़ करने के बाद उसके ऊपर में गाइस चारकोल पेंसिल से सिंपली गाइस इस टाइप से गाइस शेडिंग करना है हल्के हाथों से। एंड उसके बाद गाइस ब्लेंड कर दो काफी अच्छे से सॉफ्ट वाले ब्रश से। ब्लेंडिंग करने के बाद गाइस जितने भी गाइस डार्क लाइन है पतला पतला गाइस उसको गाइस हम लोग ऐड करेंगे काफी अच्छे से ऑब्जर्व करके गाइस। एंड गाइस काफी अच्छे से ऑब्जर्व करके गाइस पेशेंस के साथ में गाइस ड्रॉ करना। एंड उसको ड्रॉ करने के बाद उसको भी गाइस ब्लेंड कर देना सॉफ्ट वाले ब्रश से। फिर से ब्लेंडिंग के बाद अभी गाइस मैं अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर से गाइस मैं हाइलाइट्स दे रहा हूँ काफी अच्छे से ऑब्जर्व करके गाइस मैं। एंड हाइलाइट्स देने के बाद गाइस मैंने ब्लेंडिंग कर दिया सॉफ्ट वाले ब्रश से। बस गाइस काफी इजी है गाइस फर को ड्रॉ करना। एंड गाइस अभी भी आप लोग गाइस नहीं समझे हो गाइस फर को गाइस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो गाइस मैंने ऑलरेडी गाइस मैंने एक रियल टाइम वीडियो डाल दिया है फर को गाइस कैसे ड्रॉ करना है। तो गाइस मैं उसका लिंक गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके गाइस देख लेना। तो यहाँ पर भी गाइस मैंने ब्लैक एरियाज कवर करने के बाद इंडेंटिंग टेक्निक यूज करने के बाद अभी यहाँ पर गाइस मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल से। बस गाइस इंडेंटिंग टेक्निक करने के बाद उसके ऊपर में गाइस चारकोल पेंसिल से सिंपली गाइस शेडिंग करना है हल्के हाथों से। उसके बाद गाइस उसको ब्लेंड कर देना काफी अच्छे से सॉफ्ट वाले ब्रश से। एंड मैं नीचे साइड भी वही कर रहा हूँ सेम गाइस, देख लो नीचे में भी गाइस मैंने फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद अभी गाइस मैं ब्लेंड कर दूंगा काफी अच्छे से सॉफ्ट वाले ब्रश से। एंड उसके बाद गाइस टाइगर का रेफरेंस फोटो में गाइस जितने भी गाइस डार्क हेयर से गाइस उसको गाइस अप्लाई कर दो काफी अच्छे से। एंड उसको भी ब्लेंड करने के बाद अच्छे से गाइस इरेज कर देना, हाइलाइट्स कर देना मतलब की। एंड अभी भी गाइस फिर भी गाइस आप लोगों को समझ में नहीं आया तो गाइस आप लोग रियल टाइम वीडियो गाइस जाकर देख लेना। एंड गाइस इंडेंटिंग टेक्निक कैसे यूज करते हैं वो भी गाइस मैंने पार्ट वन में गाइस आप लोगों को बता दिया है, तो भी गाइस जाकर देख लेना। एंड सो गाइस तब तक के लिए आप लोग गाइस देखो, मैं काफी अच्छा से बैकग्राउंड सॉन्ग प्ले कर दे रहा हूँ, वीडियो को एंजॉय करो। एंड सो गाइस फाइनली हमारा टाइगर का ड्राइंग गाइस कंप्लीट हो चुका है। वो भी गाइस मैंने इस नॉर्मल गाइस अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर से गाइस मैंने हाइलाइट्स दिया है सभी को सभी। एंड गाइस मैंने ब्लेंडिंग के लिए गाइस मैंने मेकअप ब्रश यूज किया ऑनली गाइस 30 रुपीज़ का है वो। एंड बस गाइस आई होप कि ये टोटल वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।